केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक कोविड वैक्सीन की 17 करोड़ 35 लाख खुराक करवाई उपलब्ध। अगले 3 दिनों में मिलेगी 10 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों ने राज्यों को 2,511 मीट्रिक टन से ज्यादा लिक्विड ऑक्सीजन पहुंचाई। 40 ऑक्सीजन एक्सप्रेस अब तक पूरी कर चुकी हैं अपनी यात्रा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल का किया दौरा। 2 दिन पहले स्थापित हाई फ्लो मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट का भी किया निरीक्षण। डीएमके के प्रमुख एमके स्टालिन ने ली तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। एन रंगास्वामी ने ली पुडुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ। 4th बार बने मुख्यमंत्री। देश भर में 16 करोड़ 49 लाख से अधिक लोगों को लगाया गया कोविड वैक्सीन का टीका। 29 करोड़ 86 लाख से अधिक नमूनों की गई जांच। देश भर में बीते 24 घंटों में 4,14,000 से अधिक कोविड मामले आए सामने। 3,915 लोगों की हुई मौत। 3,31,000 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। कोविड महामारी से मुकाबले के लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय सहायता जारी। भारतीय वायुसेना का विमान 150 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के साथ ब्रिटेन से केरल पहुंचा। दुनिया भर में कोरोना मामलों की संख्या 15 करोड़ 66 लाख से अधिक। मृतकों का आंकड़ा 32,69,000 से पार। अब खबरें खेल जगत से। भारतीय पहलवान सुमित मलिक ने टोक्यो ओलंपिक के लिए किया क्वालिफाई। कॉमनवेल्थ गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता सुमित ने पहली बार ओलंपिक में बनाई जगह। नौकायन में भारत को मिला ओलंपिक कोटा। अर्जुन जाट और अरविंद सिंह ने किया क्वालिफाई।